क्वेश्चन है, ए एंड बी अंडरटेक अ प्रोजेक्ट वर्थ 36,000 रुपीज। ए लोन कैन डू द वर्क इन 25 डेज। दे वर्क टूगेदर एंड दे वर्क टूगेदर फॉर 5 डेज। ए एंड बी होना चाहिए, ठीक है भाई। ठीक है, ए एंड बी जो है वर्क टूगेदर एंड 5 डेज। फॉर नेक्स्ट 5 डे बी वर्क एलोन एंड आफ्टर दैट ए सबमिटेड बी एंड कम्प्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 5 डेज। द शेयर ऑफ ए इन अर्निंग। देखो, अर्निंग का कंसेप्ट ये होता है कि जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा दिया जाएगा। ठीक है, आप अगर 5 दिन काम करोगे तो आपको 5 दिन की मजदूरी मिलेगी, 10 दिन काम करोगे तो 10 दिन की मजदूरी मिलेगी। यहाँ पर कंसेप्ट क्या कर रहे हैं आप एक बार वो समझ लो। ठीक है भाई, मान लो यहाँ से काम स्टार्ट होता है और इस पॉइंट पर आकर ख़त्म होता है। ये अगर अकेला काम करता, ठीक है, तो इसे 25 दिन लगते काम खत्म करने में और इसे 36,000 रुपये मिलता। लेकिन वो क्या रहा है कि ए और बी जो है इन्होंने साथ मिलकर, ए प्लस बी जो है साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं, फिर बी जो है अकेला काम करता है और फिर बी को ए के साथ सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। यानी कि अब यहाँ से बी का काम खत्म हो गया और यहाँ से ए जो है अकेला 5 दिन और काम करता है। ठीक है, तो ए जो है टोटल वर्क कितना किया, 5 दिन यहाँ पर और 5 दिन यहाँ पर, 10 दिन वर्क किया। कितने में से भाई, 25 दिन में से। तो इसे मजदूरी भी इतना ही के मिलना चाहिए ना, मजदूरी भी कितना इतना ही के मिलना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, अगर 25 दिन में से ये जो है 10 दिन ही काम किया है तो इसको परसेंटेज में कैलकुलेट कर दो, आसानी हो जाएगा, इनटू 100 यानी कि 40% भाई। कि 40% जो वर्क है वो कौन किया है, ए किया है, 40% वर्क ये किया है। तो इसको टोटल जो पैसा है उसका भी 40% ही मिलना चाहिए। तो आप यहाँ से 40% इसका निकाल दो 36,000 का, सिंपल बात है। 36,000 का 40% निकाल दो अपन में 100, 36 × 4 कितना होता है, 144 होता है। तो इसे जो पैसा मिलना चाहिए कितना मिलना चाहिए, 14,400 रुपये। कितना, 14,400 रुपये। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, क्योंकि भाई देखो क्वेश्चन यही कह रहा है ना कि ये जो काम है यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर आके फिनिश होता है। ए और बी जो है साथ में 5 दिन काम करते हैं। देखो यहाँ से ए और बी जो है साथ में 5 दिन काम करते हैं और अंतिम में ए जो है और 5 दिन काम करता है। बीच में जो वर्क है ना, यहाँ से यहाँ तक बीच में जो वर्क है, अब 25 में से 10 को माइनस कर दो तो 15 दिन जो है अकेला बी करता है। एलोन 15 दिन वर्क कौन करता है, बी करता है। तो अगर 10 दिन वर्क जो है ए किया है तो टोटल वर्क जो है 25 डेज में कंप्लीट हो रहा है। तो 25 का 10% कितना, 25 अगर हम इसका 10 अगर मैं 10 दिन का निकालेंगे परसेंटेज में तो कितना हो जाएगा, 40%। यानी कि ए ने काम कितना किया है, 40% काम किया है। तो इसको पैसा अभी कितना मिलना चाहिए, टोटल का 40% ही मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जितना दिन आप काम करोगे उतना ही आपको पैसा मिलेगा।